डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा और फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस भी देखी। ये मतलब उसमें जो लिमिटेशंस थी उसके बेसिस पर ये बताया गया कि जो डी ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, या यूं कहना चाहिए कि जो डी ग्लूकोज है वो ओपन चेन में उतना प्रेजेंट नहीं होता जितना कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसकी सारी लिमिटेशंस भी दूर कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, अ साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर डी ग्लूकोज वॉज प्रपोज्ड। तो वो सारी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए डी ग्लूकोज का जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, जिसमें बताया गया कि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है और वो कहीं ना कहीं रिंग फॉर्म कर रहा है। तो वो रिंग कैसे बनती है या साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है वही सब इसमें डिस्कस किया गया है। We know that aldehydes may react with alcohols to form unstable compounds called hemiacetals. देखिए aldehyde की ये property होती है कि aldehyde जब भी कभी alcohol से react करते हैं तो वो एक unstable compound बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं hemiacetals. अब ये बनता कैसे है product देखिए। एल्डिहाइड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल में अगर हम जो ये डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें, मतलब ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर जाहिर सी बात है ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखाऊं तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये हमारा ये था, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये हमारा एच है लिखा हुआ। अब ये अल्कोहल इस पर अटैक कैसे करेगा, देखिए अल्कोहल के ऑक्सीजन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब इस कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन की कमी है या हम कह सकते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर अटैक कर देगा। जब उस पर अटैक करेगा तो कैसे अटैक कर सकता है, ये हमारा एज इट इज लिखा रहेगा और यहाँ पर हम ये ऑक्सीजन जोड़ देंगे और ऑक्सीजन से हमारा R डैश जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन ने क्योंकि अब अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए हैं तो इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, एच प्लस की तरह। तो एच प्लस की तरह जब निकलेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज तो ये एच प्लस जो है इससे जाकर जुड़ जाएगा और जब ये इससे जाकर जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये एच और यहाँ हो जाएगा ये ओ आर। तो इस तरह से ये जो हमारा कंपाउंड बना इसको हम बोल देते हैं हेमीएसिटल्स। तो जो ये हेमीएसिटल वैसे तो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं लेकिन ग्लूकोज में क्योंकि ये जो हेमीएसिटल हैं ये साइक्लिक हेमीएसिटल्स बनते हैं तो कंपैरेटिवली ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज में कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और OH तो है ही, 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमने लास्ट वीडियो में ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका डिस्कस किया था। तो इसके पास 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हैं और एल्डिहाइड ग्रुप भी हैं, तो वो एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर यानी कि रिंग हेमीएसिटल फॉर्म कर देते हैं। तो यही बात इसमें आगे लिखी हुई है, द ग्लूकोज स्ट्रक्चर कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन द सेम मॉलिक्यूल, सो देयर कैन बी इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से मतलब एक ही मॉलिक्यूल में क्योंकि एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है तो एल्डिहाइड और एल्कोहल के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम बोल रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी कि सेम मॉलिक्यूल में, बिटवीन द एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमीएसिटल। तो वो एल्डिहाइड ग्रुप और कोई भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होता है उसके कारण जो है साइक्लिक हेमीएसिटल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है और ये साइक्लिक हेमीएसिटल ऐसे हेमीएसिटल के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज टू प्रेडिक्ट विच ऑफ द 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब क्योंकि ग्लूकोज के पास 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो फिर अब हमारे पास ये प्रॉब्लम हुई कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा OH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी 5 and 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल दैन 3, 4 or 7 मेंबर रिंग्स। बेयर स्ट्रेन थ्योरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आती है ये। बेयर स्ट्रेन थ्योरी मतलब बेयर ने एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये स्ट्रेन थ्योरी दी थी। स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव। तो बेयर ने ये कहा था कि जो भी 5 or 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगी और किनके कंपैरिजन में, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग या 7 मेंबर्ड रिंग के कंपैरिजन में। देखिए 3 मेंबर्ड रिंग कैसे बन सकती है, ऐसे यानी ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन और ये भी एक कार्बन, या यहाँ पर कोई भी कोई हेट्रो एटम भी हो सकता है, कार्बन के अलावा भी कोई एटम हो सकता है
और फोर मेंबर रिंग ऐसी हो जाएगी, फिर फाइव मेंबर रिंग ऐसी हो जाएगी, सिक्स मेंबर ऐसे हो जाएगी, सेवन मेंबर फिर आगे बढ़ जाएगी। तो बेयर ने कहा कि जो ये फाइव और सिक्स मेंबर रिंग होती हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू थ्री मेंबर रिंग, फोर या सेवन मेंबर रिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। तो और फाइव और सिक्स मेंबर रिंग में भी, सिक्स मेंबर रिंग में क्योंकि लेस बॉन्डल बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है, द सिक्स मेंबर रिंग कंटेन्स लेस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन मतलब बेयर ने एंगल स्ट्रेन के बेसिस पर ही बताया था कि कौन सी रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। ये तो मैं बहुत डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ, तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो सिक्स मेंबर रिंग होती है उसमें लेस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है। ये बेयर को फिर बेयर स्ट्रेन थ्योरी को फिर मॉडिफाइड किया था शेशी और मोहर ने, तो उन्होंने फिर ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि सिक्स मेंबर रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी इन कंपैरिजन टू फाइव मेंबर रिंग। तो अब हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा OH जो है पार्टिसिपेट करेगा, कैसे अभी बताती हूँ मैं आपको। देन द फाइव मेंबर रिंग एंड हैंस OH ग्रुप एट C5 विल रिएक्ट विद द एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अच्छा, और फिर हम आते हैं अपने, देखिए ये था हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये नंबर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने डाले ये नंबर है, कार्बन नंबर 1, 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम अभी बोल रहे थे कि कौन सा OH इसमें पार्टिसिपेट करेगा, अब सपोज अगर हम इस OH को पार्टिसिपेट कराने लग जाएं तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगी और जो ये H है ये ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा, यही तो हो रहा है हमें एसिटल बनने में। तो जब ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर एक थ्री मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। देखिए ऐसे कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन उसके मेंबर होंगे, तो थ्री मेंबर्ड रिंग मतलब कितने एटम उसमें जुड़े हुए हैं उतना थ्री मेंबर्ड रिंग, क्योंकि तीन एटम जुड़े हैं इसलिए हम थ्री मेंबर रिंग बोल रहे हैं। तो थ्री मेंबर रिंग, तो अभी हमने बात की कि थ्री मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन, उसमें बहुत ज्यादा तनाव होता है, ठीक है, तो इसलिए वो स्टेबल नहीं होगी। अच्छा, फिर अगर हम इस वाले कार्बन पर आ जाएं तो इस कार्बन का अगर मान लीजिए ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लग जाए, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन होनी है, तो यहां पर अगर एक बॉन्ड बन जाए तो देखिए कितने मेंबर रिंग बनेगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 मेंबर रिंग भी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। फिर हम आते हैं इस वाले कार्बन के OH पर, तो अगर ये वाला ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बने तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, ये ऑक्सीजन, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, और अगर इस कार्बन का ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा तो हमारे पास बनेगी एक सिक्स मेंबर रिंग। और अभी हमने बात की कि फाइव और सिक्स कंपैरेटिवली स्टेबल होती हैं, ये बेयर ने कहा था, लेकिन सिक्स मेंबर रिंग में थोड़ा कम तनाव होता है तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप है वो जो है इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक हेमीएसिटल बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा, कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा, क्यों, जब ये ऑक्सीजन पर ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इस पर ये शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव जैसे मैंने अभी आपको समझाया, और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, फिर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पे चले जाएंगे, ठीक है, यानी कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए यहां से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और एच जो है एच प्लस की तरह निकलेगा, और वो एच प्लस इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पर था पहले से नेगेटिव चार्ज। तो अब इस तरह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, तो जो हमने यहां पर शो भी दोनों स्ट्रक्चर्स में हमने यहां पर शो कर रखा है। तो देखिए कार्बन नंबर 5 का ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और जो ये वाला एच है वो इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन से हमने इस एच को जोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, ऐसा करने से जब ये साइक्लिक हेमी फॉर्म बनी, ये तो ओपन चेन फॉर्म थी, जब ये साइक्लिक फॉर्म बनी तो ऐसा करने पर क्या हुआ, ये वाला कार्बन अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम बन गया। कैसे एसिमेट्रिक कार्बन है, क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक एच है, ये OH है, फिर ये पूरी कार्बन चेन है और ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो इसलिए अब ये एसिमेट्रिक बन गया। और ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोज में बताया भी था कि जब भी ये कोई भी कार्बन, ओपन चेन का कोई भी कार्बन जब एसिमेट्रिक कार्बन बनता है तो वहां पर हमारे हमेशा दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, कि वो पॉसिबिलिटीज क्या है, कि इस OH को या तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें या वो हम राइट हैंड साइड पर लिखें। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैंने पिछली बार आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये जो ग्रुप है हमारा ये एक प्लानर स्ट्रक्चर है, प्लेन में है ये, यानी कि ये जो सी,
ये हम डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच है और यहाँ पर ये पूरी कार्बन चेन आगे को बनी हुई है, ठीक है। तो जब इस पर अटैक हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन ही सपोज यहाँ पर अटैक कर रहा था इस कार्बन पर, या ये एच जो इस पर अटैक कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं अब इस प्लानर ग्रुप पर या तो ये ऊपर से अटैक हो सकता है पेपर के प्लेन के ऊपर से, या पेपर के प्लेन के नीचे से अटैक हो सकता है। तो दो तरीके से अटैक पॉसिबल है यहाँ पर। अब दो तरीके से अटैक पॉसिबल है, तो पेपर पर जब हम इसको लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो OH है या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा या वो राइट हैंड साइड पर जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज के दो आइसोमर निकल के आ जाते हैं। तो अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम उसको बोलेंगे वो बीटा डी ग्लूकोज है, और अगर वो OH राइट हैंड साइड पर है तो हम उसे बोलेंगे कि वो अल्फा डी ग्लूकोज है। तो यही यहां पर इसमें लिखा हुआ भी है, एज अ रिजल्ट ऑफ द साइक्लाइजेशन C1 यानी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 क्या था, ये कार्बन नंबर 1 बिकम्स एसिमेट्रिक। अगर हम यहां पर जाएं तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये मैंने नंबर यहां पर डाल रखे हैं, ये जो है एसिमेट्रिक बन गया। इट मींस इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप एट C5, कार्बन 5 का जो OH ग्रुप है एड्स टू द ऑक्सीजन ऑफ द प्लानर CHO ग्रुप, इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ता है तो द OH ग्रुप फॉर्म्ड मे मूव। तो जो वो OH ग्रुप यहाँ बन, ये जब H इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर OH ग्रुप बन जाएगा, तो जो ये OH ग्रुप अब बना है मे मूव आइदर टू द लेफ्ट और राइट, या तो वो लेफ्ट साइड पर मूव करेगा वो, या फिर राइट साइड पर, एंड दस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोमर्स, और जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज के दो आइसोमर्स मिल जाएंगे। द आइसोमर हैविंग द OH ग्रुप टू द लेफ्ट ऑफ कार्बन 1 इज कॉल्ड एज बीटा डी ग्लूकोज, जैसा कि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड पर है तो बीटा डी ग्लूकोज, और अगर राइट हैंड साइड पर है तो हम उसे बोलेंगे कि वो अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अब हमने जो साइक्लिक फॉर्म दी, देख लीजिए साइक्लिक फॉर्म में कहीं पर भी आपको कार्बोनिल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा होगा, और इसीलिए जो इसकी लिमिटेशन थी कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कार्बोनिल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन हमें नहीं मिलता, तो वो इसीलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो ये साइक्लिक फॉर्म जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अभी हम आगे म्यूटर रोटेशन भी पढ़ेंगे, उसमें मैं और भी डिटेल बता दूंगी आपको। तो क्योंकि यहाँ पर जब एल्डिहाइडिक ग्रुप, हमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो साइक्लिक फॉर्म में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, और यही हमारी लिमिटेशन थी, जितनी भी रिएक्शन जो वो नहीं शो कर पा रहा था एल्डिहाइड जैसे शिफ्ट रिएजेंट के साथ या बाइसल्फाइड के साथ ही, क्योंकि वो रिएक्शंस भी रिवर्सिबल होती हैं, और यहां पर ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म भी बहुत कम टाइम के लिए, मतलब बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है, ज्यादातर वो साइक्लिक फॉर्म में ही रहता है ग्लूकोज, तो इसलिए जो है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज में जो है फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक फॉर्म्स, ठीक है। तो ये आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, तो ये था इसकी साइक्लिक फॉर्म। अब इन्हीं साइक्लिक फॉर्म्स को जो एक्चुअल में देखिए, जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ग्लूकोज का जो डिस्कवर किया था वो फिशर ने किया था, और ये जो स्ट्रक्चर जो दिया मतलब वो फिशर ने दिया, तो इसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोल देते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन के अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम हावर्थ प्रोजेक्शन के थ्रू भी शो कर सकते हैं, तो अब हम इसमें हावर्थ प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। हावर्थ भी साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये प्रोजेक्शन भी। उन्होंने क्या कहा कि सिंस द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन अ 6 मेंबर्ड रिंग सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन पायरन, पायरन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। देखिए जब हमने यहां पर अगर हम रिंग स्ट्रक्चर देखें तो रिंग कितने मेंबर रिंग बनी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इस 6 मेंबर रिंग में 5 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहां पर हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम मतलब जो कार्बन से अलग कोई एटम अगर हो तो उसको हम हेट्रो एटम, जनरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो अब जो ये स्ट्रक्चर निकल के आया वो एक्चुअल में पायरन रिंग से मैच करता हुआ था, पायरन कंपाउंड होता है एक। देखिए पायरन कंपाउंड को अगर हम बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये इस तरह। तो यहां भी कार्बन होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी कि 5 कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन। तो जो बेसिक स्केलेटन अगर हम लिखेंगे तो हम सिर्फ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये एक पायरन रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब इन्होंने भी यही कहा कि पायरन की तरह से मैच कर रहा है क्योंकि, तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पायरनोज स्ट्रक्चर, तो अब हम इनको पायरनोज स्ट्रक्चर की तरह बना सकते हैं। पायरनोज मतलब पायरन तो हमने ले लिया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से क्योंकि मैच कर रहा था, और ओज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हम एंड में ओज लगाते हैं सफिक्स, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो ओज लगाते हैं, तो इसलिए हम जो अब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उनको हम पायरनोज स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। और क्योंकि दीज स्ट्रक्चर्स वर सजेस्टेड बाय हावर्थ, क्योंकि ये सजेशन दिया था हावर्थ ने, एंड आर ऑल्सो नोन एज हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूली, इसीलिए हम इन
जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोल देते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूली, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला होता है सिंगुलर वर्ड, और यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर्मूली यानी ए के बाद ई, तो ये होता है प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा, जब हम प्लूरल फॉर्म लिखी है फॉर्मूला की, एक से फॉर्मूलाज नहीं लिखते हैं, फॉर्मूली लिखते हैं, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही थी। अच्छा, अब क्या है इन हावर्थ प्रोजेक्शन, अब हावर्थ प्रोजेक्शन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, द हेक्सागनल पायरन रिंग, हेक्सागनल मीन्स जिसके छह कोने हों, हेक्सागनल पायरन रिंग इज कंसिडर्ड टू बी सिचुएटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के प्लेन में हम एक सिक्स मेंबर रिंग बना लेंगे जिसमें हम पांच कार्बन बनाएंगे, जैसे ये बना रखे हैं, देखिए पांच कार्बन बने हुए हैं और एक ऑक्सीजन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टू द ऑक्सीजन इन इट इज द कायरल कार्बन C1, जहां भी हम ऑक्सीजन बनाएंगे ऑक्सीजन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारा C1 कार्बन होगा, जो हमने इस वाले प्रोजेक्शन में यानी जो फिशर प्रोजेक्शन में हमने बनाया था, देखिए ये मैं यहाँ ऐसे रख ले रही हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा, ये जो ये कार्बन वन यहाँ पर मान लीजिए ये वाला रिंग स्ट्रक्चर है, हमें इसको ड्रॉ करना है, या मैंने यहाँ पर अल्फा डी कर रखा है तो आप ये रहा अल्फा डी, ठीक है। हम यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज को सपोज बनाने जा रहे हैं, तो हमने क्या करा, पहले तो ये जो पांच कार्बन थे और ये ऑक्सीजन, हमने इनका एक पायरन रिंग की तरह हमने इसको बना लिया, फिर ऑक्सीजन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो कार्बन है जो हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन होता है, यानी हमें ये वाला कार्बन, यही तो हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन था जो कि अब एसिमेट्रिक बन गया है, तो ऑक्सीजन से नेक्स्ट कार्बन हमें एल्डिहाइडिक कार्बन बनाना होता है, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, इस तरह से ये बनता चला गया, तो पांच कार्बन जो है यहाँ पर इन्होंने बना रखे हैं, तो वही हमें यहाँ पर बनाना है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉलोड बाय C2, C3, C4, C5, वही हमने उसके बाद C2, C3, C4, C5 बनाया, अरेंज्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मतलब ऑक्सीजन के बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते जो पहला कार्बन आ रहा है वो एल्डिहाइडिक कार्बन होता है, जो फिशर प्रोजेक्शन में हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाया था। द ग्रुप्स प्रोजेक्टेड टू द राइट इन द फिशर प्रोजेक्शंस गो बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, दस दोज टू द लेफ्ट गो अबव। अब क्या करेंगे, हमने कार्बन बना लिए सिंपल और ऑक्सीजन बनाया, अब हमें क्या करना है, इस फिशर प्रोजेक्शन में जो OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर हैं उन्हें हमें यहाँ नीचे की साइड बनाना है, मतलब ये तो प्लेन के ये तो जो रिंग होती है वो प्लेन में होती है, पेपर के प्लेन में, जो ये OH है ये पेपर के प्लेन से नीचे है, और जो ये H है ये पेपर के प्लेन से ऊपर है, मतलब रिंग आपके पास कुछ इस तरीके से है और ये ऐसे बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ऊपर की साइड H है और नीचे की साइड OH है, अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो हम OH को नीचे की साइड दिखाएंगे, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम उसे ऊपर की साइड पर दिखाएंगे, मतलब जो राइट हैंड साइड पर है वो नीचे जाना है और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसे ऊपर दिखाना है। तो कार्बन नंबर वन पे हमने देखा कि OH हमारा राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, तो हमने OH को नीचे बनाया और H को हमने ऊपर बनाया। सेकेंड नंबर कार्बन पर भी OH नीचे है तो हमने OH को नीचे और H को ऊपर बनाया। थर्ड नंबर कार्बन पर OH जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है यानी हमें इसे ऊपर बनाना है तो हमने इसे ऊपर बना दिया। फिर फोर्थ पर पहुंचे, फोर्थ पर OH फिर से नीचे बना हुआ है तो हमने फोर्थ पर नीचे बनाया। अब आइए फिफ्थ पर, देखिए फिफ्थ कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो हमने फिफ्थ कार्बन को ऑक्सीजन से अटैच तो कर दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहां पर तो H हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है तो इसका मतलब H तो ऊपर बनाना चाहिए था और CH2OH नीचे, लेकिन यहाँ पर CH2OH ऊपर है और H नीचे। एक्चुअल में हुआ क्या है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सपोज हमारा ये हमने बना दिए अपने पांच कार्बन, ठीक है, मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे हमारा CH2OH है। अब हमने क्या कराया है, ये वाले बॉन्ड को तो यहाँ पर फिक्स रख दिया, ये बॉन्ड को हमने यहाँ मूव कराया, इस CH2OH को यहाँ मूव कराया और H को हमने यहाँ मूव कराया, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये CH2OH यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब ये वाले बॉन्ड को फिशर प्रोजेक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने आपको समझाया हुआ अभी कि फिशर प्रोजेक्शन से हम एक सेम स्ट्रक्चर दोबारा से कैसे बना सकते हैं, कि डायरेक्शन में ये जो बॉन्ड्स हैं एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी तीनों बॉन्ड को अगर हम मूव कराएं तो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास सेम मिलता है, मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन का वो हमें सेम मिलेगा। तो हमने सिर्फ इतना करा दिया, ये बॉन्ड को नीचे की साइड मूव कराया, इस बॉन्ड को ऊपर की साइड और इस एच को हम आगे की साइड ले गए, तो ये एच आगे गया, CH2OH यहाँ आया और ऑक्सीजन आया। अब इस बेसिस पर हम बना सकते हैं, देखिए अब हमारा एच जो है वो राइट हैंड साइड पर है, इसलिए हमने एच को नीचे बनाया और CH2OH को ऊपर बनाया।
तो इस तरह से हम ये अल्फा डी ग्लूकोज लिख सकते हैं इसका नाम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, ये भी है इसका नाम। ग्लूकोपायरानोज से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, वो ये हो गया, तो इसलिए हम इसको ग्लूकोपायरानोज लिख रहे हैं। और बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा में क्या डिफरेंस था, सिर्फ OH का ही तो डिफरेंस था, फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH का डिफरेंस था। इसमें फर्स्ट नंबर OH राइट हैंड साइड पर है, इसमें फर्स्ट नंबर पर OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसलिए हम उसे ऊपर की साइड बनाएंगे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, या हम इसको बीटा डी ग्लूको पायरानोज लिख सकते हैं। तो ये इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन। अब इसी हार्वर्ड प्रोजेक्शन को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब आपको ये कार्बन अगर नहीं दिखाने, कार्बन बिना दिखाए भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे ही सिंपल ज्यादातर हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, बिना कार्बन को शो किए, सिर्फ ऑक्सीजन को शो कर दिया और बाकी हमने सिंपल, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिंपल वे ऑफ ड्राइंग हार्वर्ड प्रोजेक्शन इज टू ओमिट द रिंग कार्बन, हमने रिंग कार्बन को ओमिट कर दिया, नहीं लिख रहे हैं। दस अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, तो जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, बस इसने पायरन रिंग को प्लेन ऑफ द पेपर माना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये जो सिक्स मेंबर्ड रिंग है ये कभी भी प्लेन में नहीं आएगी, क्योंकि अगर जैसे ही ये प्लेन में आएगी इसमें फिर से एंगल स्ट्रेन आएगा। तो एक्चुअली द साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज प्रीफरेंशली एग्जिस्ट इन स्ट्रेन फ्री चेयर कन्फॉर्मेशन एज शोन बिलो। जैसे कि मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन के केस में बताया भी था स्टीरियोकेमिस्ट्री में, क्योंकि वो चेयर और बोट दो तरह के कन्फॉर्मेशन में रहती है, तो ऐसे ही ग्लूकोज की भी हम चेयर कन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। ये चेयर कन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्ट्रेन फ्री होगी, इसमें कोई तनाव नहीं होगा, यहाँ पर तनाव होता है, ये कोई तनाव नहीं होगा। और इसको अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो मतलब हम इस तरह से भी बना सकते हैं, पर क्योंकि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहता है तो ज़्यादातर हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। पर मैंने आपको यहाँ ये भी बता दिया है कि इसको चेयर फॉर्म में आप कैसे बना सकते हैं, और इसी के बेसिस पर, चेयर कन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू अल्फा डी ग्लूकोज। अब ऐसा क्यों है, सबसे पहले तो हम चेयर कन्फॉर्मेशन बनाना सीख रहे हैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ, चेयर कन्फॉर्मेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, मतलब पढ़ाई होगा ऑब्वियसली, तो अगर आपको याद होगा तो आप ये इजीली बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक ऊपर कार्बन है, तो फिर एक नीचे कार्बन, फिर ऊपर एटम बनाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर से ऊपर है। तो ये जो यहां पर ये जो है ये कॉर्नर, ये ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे हमारे कार्बन है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही बनाए, ऑक्सीजन से नेक्स्ट हमारा ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर H ऊपर है OH नीचे है, तो हमने H ऊपर और OH नीचे बनाया। फिर हम इस वाले कार्बन पर गए, इसमें H ऊपर है OH नीचे है, फिर हम इसमें गए OH ऊपर है H नीचे है, फिर हम नेक्स्ट वाले में गए H ऊपर है OH नीचे है, फिर हम इससे ऊपर वाले में गए तो CH2OH ऊपर है और H नीचे। अब ये ऊपर और नीचे हमें कैसे बनाना है, ये सब भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में। जो इन कार्बन्स पर हमेशा दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक एक्जियल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल, तो एक्जियल बॉन्ड्स को हम जो नीचे वाला कार्बन है होता है हमेशा उसमें नीचे की साइड बनाते हैं, जो ऊपर वाला कार्बन होता है उसमें एक्जियल बॉन्ड्स को ऊपर की साइड बनाते हैं, फिर नीचे वाला कार्बन है तो एक्जियल बॉन्ड नीचे की साइड, फिर ऊपर वाला कार्बन है तो एक्जियल बॉन्ड ऊपर की साइड, फिर नीचे कार्बन आ गया तो नीचे की फिर से नीचे की साइड बनाएंगे। और इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इक्वेटोरियल हम हमेशा क्या करेंगे, जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये वाले बॉन्ड्स मतलब अगर हमें यहां बनाना है तो इसके पैरेलल बनाते हैं हम इसको, ठीक है, फिर हम इसको बनाएंगे। तो जब हम इसको बनाएंगे तो मतलब मैंने आपको ये अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि इक्वेटोरियल और एक्जियल बॉन्ड्स को आपको कैसे बनाना होता है। एक्चुअल में ये इक्वेटोरियल बॉन्ड ज्यादातर जेड की फॉर्म, रिंग के साथ हमेशा एक जेड फॉर्म करते हैं, तो वो जैसे यहां वाला फॉर्म भी है, ये भी रिंग के साथ एक जेड बना रहा है, तो इस तरह जेड की फॉर्म में जब आप बनाएंगे तो वो आपसे सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड इजिली बन जाएंगे। तो जो ऊपर कार्बन दिख रहा है बस आपको ऊपर लगाना है, और जो नीचे ग्रुप सॉरी जो ऊपर ग्रुप दिख रहा है आपको उसको ऊपर बनाना है, और जो नीचे ग्रुप दिख रहा है आपको उसको नीचे बनाना है, और यहाँ पर बस एक्जियल और इक्वेटोरियल का ध्यान रखिएगा। अब इसी बेसिस पर हम बता सकते हैं, एक्जियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बेसिस पर ही हम बता रहे हैं कि बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल क्यों है। अगर आप बीटा डी ग्लूकोज में देखें तो जितने भी OH ग्रुप हैं वो सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं। देखिए ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन थी, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, और CH2OH भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और ये मैंने आपको बताया भी था कि इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो
वहाँ पर हमें 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता, जबकि जो एक्जियल पोजीशन होती है, देखिए यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये एक्जियल पोजीशन पर है, और एक्जियल पोजीशन पर हमें 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। जैसे ये वाला OH जो है इस वाले OH और इस वाले H और इस वाले H के साथ ये जो 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन शो कर रहा है, जिसकी वजह से रिंग में स्ट्रेन हो जाता है और ये तो है कम स्टेबल होता है। 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, बस इतना सा बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेटोरियल है और यहाँ पर ये एक्जियल है, तो इक्वेटोरियल फॉर्म जो होती है एक्जियल के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए बीटा डी ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये सारा था हमारा रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।